हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं रगड़ा की रेसिपी, जिसे आप टिक्की, समोसा या पानी पूरी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने मटर लिया है, जिसे रात भर पानी में भिगो कर रख दिया था और ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसका हम पानी निकाल करके एक बार अच्छे से हम धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी मैंने निकाल लिया है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ एक लोटा पानी, और फिर मैंने कुकर लिया है और कुकर में उसको हम रख देंगे। प्रेशर कुकर में मटर रखने के बाद उसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक। नमक डालने के बाद इसी में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, ताकि इसमें अच्छा कलर आ जाए। फिर इसमें मैंने डाल दिया है लवंग, और लवंग डालने के बाद प्रेशर कुकर को हम ढक्कन लगा देंगे और इसमें सीटी लगाएंगे। और सीटी लगाने के बाद 4-5 सीटी आने तक इसको अच्छे से हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारी मटर उबल चुकी है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब रगड़ा बनाने के लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें 2 परी तेल डाल देंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद इसमें कद्दूकस या हुआ लहसुन डाल देंगे, उसको तेल में हल्का सा हम पका लेंगे। फिर इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिर्च, आप हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। उसको पकाने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े प्याज लेकर मैंने उसे बारीक कट कर लिया था। तेल में इसको भी ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज के ब्राउन होने के बाद इसमें हम डाल देंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर, और इसको भी गलने तक पका लेंगे। जब तक हमारा टमाटर गलता नहीं है, तब तक हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। तो फ्रेंड्स, टमाटर हमारा गल चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच पाव भाजी मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और सभी को हम मिलाएंगे। मसाले को भी अच्छे से हम पका लेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कुटा हुआ जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, और नमक डालने के बाद इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है बहुत जल्दी गल जाता है। अब ये हमारा मसाला पक चुका है। अब इसके अंदर बॉईल किया हुआ हम मटर डाल देंगे। तो जो मटर मैंने बॉईल की थी उसको हम डालेंगे। तो अभी थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ, फिर उसके बाद एक साथ हम पूरा डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे, और फिर जितने पानी की आवश्यकता है उतना पानी हम डाल देंगे। पानी मैं उसमें वही डाल रही हूँ जो मैंने बॉईल किया था। अब रगड़ा को हमें उबालना है, तो ऐसे ही हमें इसे पकाना है। तो उबलने के लिए हम इसे रख देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, रगड़ा जो है हमारा उबल चुका है। पहले भी मैंने इसे उबाला है, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं उबालना है। तो ये हमारा रगड़ा बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, रगड़ा मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं पूरी तोड़ करके डाल दूंगी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इस रगड़ा को पाव के साथ या चावल के साथ खाइए, या आप इसका चाट बना लीजिए, खाने में बहुत ही टेस्टी आता है। तो इस तरीके से आप अपने घर पे इस रगड़े की रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक करिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।